जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी सेलर MR अप्रैल 2022 बैच ऑनलाइन फॉर्म 2021 मोबाइल से कैसे फिलअप करना है इस बारे में। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं अप्लाई लिंक देने वाला हूँ, वो लिंक आपको ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद आप इस भर्ती की एलिजिबिलिटी की जानकारी तो जानोगे ही, साथ ही आपको नीचे की तरफ अप्लाई लिंक मिल जाएगा जो कि आपको यहाँ पर इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले आएगा। यहाँ पर आपको इन तीन डॉट के ऊपर क्लिक करना है। इनके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर आपको रजिस्टर विदाउट आधार ये सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको इनमें से कोई एक आईडी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर जो भी आईडी आपने सिलेक्ट की है उसका नंबर यहां पर एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद जो आपके सामने कैप्चा कोड है ये कैप्चा कोड यहां पर फिलअप कर दीजिए। फिलअप करने के बाद सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स की जानकारी आ जाएगी जहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है और ये नेम आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद अगर आपका मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है और ये नेम एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है क्योंकि उसके ऊपर OTP जाएगा जो कि अभी आपको वेरीफाई करना होगा। फिर दोस्तों आपको फादर या मदर नेम एंटर करना है तो उसका पूरा नाम आप यहाँ पर दे दीजिए। गार्जियन नेम के अंदर जो भी आपके अभिभावक है आप चाहे तो यहाँ पर नाम दे सकते हैं या फिर आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पर पैन कार्ड आपके सामने है और डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके चूज कर लेनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है या फिर आप यहाँ से खुद से भी एंटर कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि आपको एक बार जो एलिजिबिलिटी है वो चेक कर लेनी है जहां पर आपको मालूम हो जाएगा कि इसमें क्या एज लिमिट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर डोमिसाइल आपका कौन सी स्टेट का है वो स्टेट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। जेंडर इसमें मेल सिलेक्ट कर लीजिए क्योंकि मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे और आपका सिंगल होना भी जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन मार्क के अंदर आपको वो मार्क लिखना है जो कि आपकी बॉडी के ऊपर है, जो कि परमानेंट मार्क हो। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई मार्क नहीं मिलता तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। फिर जो आइडेंटिफिकेशन मार्क टू है, अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज्यादा मार्क है तो आप दूसरे मार्क के बारे में दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको बिना कुछ लिखे भी खाली छोड़ सकते हैं। फिर दोस्तों एजुकेशनल डिटेल्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। इसमें हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अप्लाई करने के लिए 12th की मांगी है जो कि आपने एलिजिबिलिटी के अंदर चेक कर ली होगी। बेसिकली जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है जो कि कंप्लीट है वही आपको सिलेक्ट करनी है। अगर अभी रनिंग है तो आप सिलेक्ट मत कीजिएगा। हाईएस्ट स्ट्रीम आपका क्या हो यहां से आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास कोई है और आप देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको अकाउंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको अपनी वैलिड ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके ऊपर ईमेल जाएगी अभी जो कि आपको वेरीफाई करनी होगी। एक यहां पर आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। इस पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और जो पासवर्ड आपने यहां पर डाला है उसको दोबारा डाल करके कन्फर्म कर लेना है। कन्फर्म करने के बाद ये जो कैप्चा कोड है यहां पर एंटर कर दीजिए और इन दोनों के ऊपर आप चाहे तो टिक कर सकते हैं। बेसिकली सेकंड वाले पे तो आपको टिक करना ही होगा, पहले वाले पे आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको अनटिक भी रहने दे सकते हैं। अब इसके बाद जो भी जानकारी आपने यहां पर भरी है, चाहे वो पर्सनल डिटेल हो, एजुकेशन डिटेल हो या फिर अकाउंट डिटेल हो, ये आपको अच्छे से चेक कर लेनी है क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं दिया जाएगा। श्योर होने के बाद सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद जो ईमेल आईडी आपने भरी है उसके ऊपर एक ईमेल गई होगी, आपको वो ईमेल ओपन करनी है। ओपन करने के बाद उसके अंदर आपको एक लिंक देखने को मिल जाएगा, उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक एयर पर क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इंडियन नेवी की वेबसाइट पर रेफर किया जाएगा जहां पर दोस्तों आपको बोला जाएगा कि आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP सेंड किया है, वो OTP आपको वहां पर डालना है और डालने के बाद वेरीफाई कर देना है। जैसे आप उसको वेरीफाई कर दोगे फिर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको यहां पर पहले आपने जो अभी स्टेट यहां पर इसमें रजिस्ट्रेशन करते समय सिलेक्ट की थी वो स्टेट सिलेक्ट करनी है। फिर ये जो कैप्चा कोड आपके सामने है ये यहां पर एंटर करना है और फिर आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। आपने जो ईमेल आईडी अभी रजिस्टर किया है वो ईमेल आईडी यहां पर एंटर कर दीजिए। जो पासवर्ड आपने चूज किया था वो पासवर्ड यहां पर आपको डाल देना है। डालने के बाद ये कैप्चा कोड यहां पर फिल कर दीजिए और फिल करने के बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहां
पर दोस्तों आपको 12th डिप्लोमा मार्कशीट अपलोड करनी है जिसका फॉर्मेट पीडीएफ का होना चाहिए। आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फाइल्स में जाकर के अपनी फाइल यहाँ पर अपलोड कर देनी है। इसके बाद दोस्तों आती है डिटेल्स ऑफ साइंस क्वालिफिकेशन, जहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपके जो नंबर है वो CGPA के अंदर है या फिर मार्क्स के अंदर है। तो अगर मार्क्स की जानकारी भर रहे हो तो आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर 100 डाल देना है, क्योंकि 100 में से होते हैं बेसिकली जो भी आपके टोटल मार्क्स है वो आपको डालने होंगे। उसमें से आपको कितने आए थे वो आपको ऑब्टेंड मार्क्स के कॉलम में डालना है। इसी प्रकार से आपको हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, बेसिकली जो भी आपके पास सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स और ऑब्टेंड मार्क्स फिलअप कर देने हैं। फिलअप करने के बाद अगर आपके पास कोई एडिशनल सब्जेक्ट है जो कि ऑप्शनल में यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहे तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। सीरियल नंबर ऑफ मार्कशीट, रोल नंबर, अगर आपके पास मार्कशीट का नंबर है 12th की तो वो भर दीजिए, अगर वो नहीं है तो 12th का रोल नंबर यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद स्टेट कंडक्टेड एग्जाम, यानी कि आपका जो एग्जाम है वो कौन से स्टेट ने कंडक्ट किया था, तो हम यहाँ से उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेते हैं। अब उस स्टेट के अंदर कौन से बोर्ड के द्वारा आपने अपनी जो 12th वो की है, मैं यहाँ से स्टेट बोर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने नीचे आती है डिटेल्स ऑफ 10th क्वालिफिकेशन। तो 10th में यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स डालने हैं, यूपी बोर्ड में 600 होते हैं, मैं वो डाल देता हूँ। उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। ये फिलअप करने के बाद आपकी परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगी। अब आपको सेम तरीके से यहाँ पर 10th की जो मार्कशीट का सीरियल नंबर है वो एंटर करना है, अगर वो नहीं है तो 10th का रोल नंबर लिख दीजिए। सेम तरीके से आपको स्टेट कंडक्टेड जो है वो आपको सिलेक्ट करनी है, जिसने आपका एग्जाम कंडक्ट किया था और कौन से बोर्ड से किया था वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ पर कोई अन्य बोर्ड है तो अदर बोर्ड का जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करके आप यहाँ पर उसका नाम खुद से भी लिख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, इसका फॉर्मेट भी PDF में और साइज 1 MB से कम रहना चाहिए। पासिंग सर्टिफिकेट में भी आपको जो आपकी मार्कशीट है वही अपलोड करनी है, यानी कि दोनों में आपको सेम फॉर्मेट में जो आपकी फाइल है वो अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड है ये फिलअप कर दीजिए और जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को अच्छे से चेक करके सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जानकारी सेव हो जाएगी और आपको यहाँ पर नीचे जो अन्य जानकारी है वो देखने को मिल जाएगी। आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन पार्टिकुलर्स, यानी कि जो आपकी एड्रेस की जानकारी है वो फिलअप करनी है। आप यहाँ पर इस जानकारी को फिलअप कर सकते हैं, जैसे कि आपका एड्रेस क्या है वो एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अपनी ID के अकॉर्डिंग स्टेट आपको यहाँ से अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट आपको अपनी सिलेक्ट करनी होगी कि आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है उस स्टेट के अंदर। अपनी पोस्ट ऑफिस का पिन कोड या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड यहाँ पर एंटर कर दीजिए। मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है, ईमेल आईडी यहाँ पर आपकी दी गई है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप अगर कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अगर आपको कोरोस्पोंडेंस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अगर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे सकते हैं या फिर आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है। जो आपका फोटो है वो इनमें से किसी एक फॉर्मेट में होना चाहिए और 100 KB से कम ही रहना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जो आपका फोटो है उसका बैकग्राउंड ब्लू यानी कि नीले कलर का होना चाहिए। आप फिर से सुन लीजिए कि आपके फोटो का बैकग्राउंड ब्लू कलर का होना चाहिए। इसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है और यहां पर आपको थर्ड नंबर पर स्टेट रेसिडेंस प्रूफ यानी कि जो आपका डोमिसाइल जिसको आप हिंदी में निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, आपको अपना निवास प्रमाण पत्र यहां पर अपलोड कर देना है। अब ये जो कैप्चा कोड है यहां पर फिलअप कर दीजिए और फिलअप करने के बाद सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा और जो आपकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर करंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर क्लिक करना है। करंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपको ये अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएगी। अगर आपकी एज बताई गई एज के अंदर नहीं है, यानी कि अगर आप इसमें एज के अकॉर्डिंग एलिजिबल नहीं हो, तो आपको यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिलेगी। तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, आपको यहां पर इन तीनों के ऊपर टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहां पर आपको नीचे आना है और इसके बाद आपको अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है 10th की मार्कशीट के अनुसार और बाकी जानकारी आपको कंफर्म करते हुए यहां पर नीचे टिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने यहां पर एजुकेशन पार्टिकुलर्स की जानकारी आ जाएगी, आपको ये सब जानकारी कंफर्म करनी है
है और यहाँ पर आपको ये बताना है कि आप कौन कौन सी परसेंटेज इसमें काउंट कराना चाहते हैं, यानी कि किन किन सब्जेक्ट की परसेंटेज काउंट कराना चाहते हैं, वो आपको सिलेक्ट करना है और बाकी की जानकारी आपको यहाँ पर वेरीफाई करनी है और फिर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने मिलिट्री रिकॉर्ड आएगा जिसमें कि आपसे पूछा कि क्या आप आर्म फोर्स से पहले डिस्चार्ज किए गए हो, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। अगर आप आर्म फोर्स के अंदर पहले भी इनरोल हुए हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो नो ही रहने देना है। क्या आपके पास नेशनल कैडेट कोर्प्स यानी कि एनसीसी का सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। देन आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर दोस्तों कम्युनिकेशन यानी कि जो आपका एड्रेस है उसकी जानकारी है, आपको ये सब जानकारी वेरीफाई करते हुए नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आता है मिसलेंसेस, जहाँ पर आपसे पूछा कि आपको इस एंट्री यानी कि इस फॉर्म के बारे में कहाँ से पता चला, तो आप कोई भी एक रीजन यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। आपको नेवी में अप्लाई करने के लिए क्या चीज़ मोटिवेट करती है, वो आपको यहाँ पर कोई भी एक रीजन सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद क्या आपको स्विमिंग आती है, अगर आती है आपको बेसिकली तैरना अगर आपको आता है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उनको आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हो व्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके। जब आपको लगे कि सभी डॉक्यूमेंट सही है तो आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपके सामने आती है इंडिकेट प्रेफरेंसेस यानी कि आप किसको कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं। पहला आपका यहाँ पर सेफ यानी कि कुक है तो आपको यहाँ पर इसको प्रेफरेंस दे देनी है। फिर आपका सेकंड यहाँ पर मैस वेटर है तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है कि आपको इसको कितनी प्रेफरेंस देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको सेकंड प्रेफरेंस सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पर थर्ड प्रेफरेंस देनी है और नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से सभी जानकारी का प्रीव्यू आ जाएगा। आपको सभी जानकारी को वेरीफाई करते हुए नीचे सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। अगर आपके सामने कुछ ऐसा एरर आता है तो आपको यहाँ पर एक बार बैक करना है और फिर आपको एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर जाना है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर नीचे आओगे तो आपने जिस पोस्ट पर रिसेंटली अप्लाई किया है आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे आप व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग इंडियन नेवी सेलर MR अप्रैल 2022 बैच ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।